अच्छा जी, तो वीडियो में स्लोमो ऐड करना चाहते हो तो चलें, लेट्स गो। वीडियो में स्लो मोशन ऐड करने के लिए हम किसी भी एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं, बट ये लैगिंग को आखिर कैसे ठीक करें? जिसके लिए सिर्फ तुम्हें एक सेटिंग करनी होगी अपने फोन में ही, 60 FPS। अपनी वीडियो को 60 FPS पर शूट करो। नहीं समझे? FPS means frames per second, number of images that displayed on your screen each second। बेसिकली तुम्हारी जो वीडियो का एक सिंगल सेकेंड है ना, उसमें तुम्हारे 60 फोटोज तुम्हारे सामने डिस्प्लेड होते हैं। एंड नॉर्मल वीडियो 30 FPS में होती है, मतलब एक सेकंड में 30 फोटोज डिस्प्लेड हो रहे हैं। अब उन 30 फोटोज को अगर तुम खींच के लंबा करते हो तो लैगिंग तो आएगी। इसीलिए समस्या को हल करने के लिए तुम्हें सिर्फ एक सेटिंग करनी होगी अपने फोन में। जाकर के अपने फोन के कैमरा की सेटिंग्स को ओपन करने के बाद तुम्हें चेंज कर लेना होगा 30 FPS टू 60 FPS। अब तुम इसको जितना मर्जी लंबा करो, लैगिंग का सामना तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो तुम्हारी 60 FPS पे शूट हुई है। अपनी वीडियो को 60 FPS पे शूट करने के बाद तुम कोई भी एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो। लाइक आई एम यूजिंग VN एप्लीकेशन। सिंपली अपनी वीडियो को VN एप्लीकेशन में लेके जाऊंगा एंड यहाँ पे तुम्हें काफी सारे स्लोमो के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तुम्हें ये कर्व्स दिख जाएंगी, तुम इन कर्व्स के प्रीसेट को अपनी वीडियो के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तुम यहाँ पे देख सकते हो फास्ट एंड स्लोमो तुम्हें देखने को मिल रहा है। एंड जैसे तुम अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेते हो तो लैगिंग का बहुत कम तुम्हें सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो तुम्हारी 60 FPS पे शूट हुई है अब। बट नाउ 60 FPS तो तुम्हारी कैमरा के सेटिंग्स में दिख ही नहीं रहा, तो अब क्या करें? करना तुम्हें कुछ भी नहीं है, इजिली अपनी 30 FPS वाली वीडियो को उठाओ और VN एप्लीकेशन में लेके आओ और उसको एक्सपोर्ट करो इन 60 FPS। जब तुम अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करने जाओगे तो वहां पे तुम इसका फ्रेम रेट इंक्रीज कर सकते हो। एंड एक्सपोर्ट करने के बाद फिर से VN एप्लीकेशन में लेके आओ और उसमें स्लोमो अप्लाई कर दो। वैसे अगर तुम अपनी वीडियो में शेक इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई करना चाहते हो तो ये वाली वीडियो देखो। ओके बाय।